स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी गई है उसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से जो है उसके रूट्स हमें निकालने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स निकालते हैं तो हमेशा हमारे पास दो रूट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें यही निकालना है। तो इसमें हमें इक्वेशन दी गई है 2x² - x + 1.8 = 0। तो इसको करके देखते हैं हम। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डैट इक्वेशन हम लिख लेंगे 2x² - x + 1.8 = 0। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये रेशनल नंबर जैसे दिया गया है हमें, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले जो है एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारे पास 8 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो 8 LCM आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 × 2 = ये हो जाएगा 16, 16x² - 8x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और ये +1 = 0। अब ये 8 जो है इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0, क्योंकि ये 8 इधर जाएगा तो 0 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी ये इक्वेशन आ गई 16x² - 8x + 1 = 0। अच्छा, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई हमारी, इसके हम मिडल टर्म के जो है फैक्टर बनाते हैं। तो ये मिडल टर्म हमारे पास है 8x - 8x, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके ऐसे क्या फैक्टर बनाएं कि जिसका जो है मल्टीप्लाई तो 1 × 16, यानी कि मल्टीप्लाई तो 16 आना चाहिए और उन दोनों का टोटल जो है वो आना चाहिए हमारा 8x। तो बना के देखते हैं इसके फैक्टर, ये हो जाएगा 16x². अब इसके हमने बनाने हैं तो -4x और -4x, यानी कि -4x और -4x अगर हम जोड़ें तो -8x, तो ये -8x आ गए। और 4 × 4 करें तो 4 × 4 = 16, तो 1 × 16 इन दोनों को हमने करा तो ये वाली आ गई। तो ये हमारे फैक्टर बन गए +1 = 0। अब हम ये दो टर्म ये ले लेते हैं और ये दो टर्म ये ले लेंगे, ठीक है। तो इन दो टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें 4x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x कॉमन लिया तो अंदर यहाँ बचा हमारा 4x माइनस यहाँ हो जाएगा 1। अच्छा, अब उसके बाद हम माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस क्या कॉमन लेंगे इसमें, इसमें हम 1 लेते हैं कॉमन, -1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x, क्योंकि माइनस हमने लिया है तो अंदर माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह, तो -1 हो जाएगा = 0। तो 4x - 1 और 4x - 1 इनको एक साथ लेंगे हम, 4x - 1 और 4x - 1 = 0। तो 4x - 1 = 0 और सेकंड जो रूट आएगा वो हमारा आएगा 4x - 1 = 0। तो 4x = ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और x = 1/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर हम करेंगे तो 4x = ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया और x = 1/4, ये 4 इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये पास ये दो रूट आ गए, एक तो आ गया x 1/4 और दूसरा रूट हमारे पास आ गया x 1/4, दोनों रूट एक से आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास
इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था जो मैंने आपको बताया, और मैं आशा करता हूँ आपको सारे स्टेप्स बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और मैंने बड़े इसको इजी वे में सॉल्व करके आपको बताया है। तो फिर भी अगर आपको कोई स्टेप नहीं मालूम पड़ता है या किसी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक होकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ हेल्प कर दूँगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है, और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।